कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है। कपड़ों की बात नहीं कर रहा। फिर? देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? तुम भी अच्छी लग रही हो, लेकिन यूं कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों एक साथ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओहो बेटा, ये क्या कह रहे हो? अभी शादी में टाइम है, आज तुम्हारी मंगनी है। वो एक्चुअली डैड फिल्मों में ऐसे ही कहते हैं ना, आई थॉट कि मुझे भी ऐसे कर। फिल्मों में तुमसे थोड़ी ना, बस लड़की को उठा के ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम आज मुझसे मंगनी और फिर आगे जाके शादी करोगी प्लीज। अरे भाई सायरा, ये तो चीटिंग है, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, मुंह से बोलो। क्या कहा? नहीं। मैंने कहा हाँ। ये हुई ना बात। अरे अरे साकिब, ये क्या किया तुमने? I'm so sorry. ये क्या है? ब्रेसलेट है तुम्हारे लिए। वाह, कहाँ से लिया? बनवाया है तुम्हारे लिए स्पेशली। लव, पहना दो तुम्हें। डबल एस साकिब एंड सायरा। ये छोटी सी कलाई है तुम्हारी, क्यूट। बहुत प्यारा है, थैंक यू। लुकिंग नाइस। हाँ ये नहीं है। नो। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन है, बट आई थिंक देयर यू आर। तुम्हें देखने के लिए मुझे आंखें नहीं चाहिए। आई लव यू। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ थी, करीब करीब था मैं। साकिब भाई, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया ना। आई लव यू। आई लव यू टू। सायरा आर, तेरा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मुझे क्या हुआ? I'm really sorry, सायरा। मैं जानता हूं तुम्हें कितना अरमान था कि मैं तुम्हें वो हर चीज दूं। नहीं साकिब, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। जो होना था वो हो गया, अब हमें अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करनी होगी।
फिर तुम मेरे साथ हो सायरा, तो मैं सब कुछ कर सकता। प्लीज तुम मेरे साथ रहना हमेशा, प्लीज। हमें इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला कहाँ? खाला ने कहाँ जाना? वापस आ गई हूँ अपने भाई घर में, सुकून से सो रही हूँ। तुम नहीं सोई? मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें यहाँ पे नींद कैसे आएगी? इतने मच्छर हैं, पंखा भी खराब पड़ा है। कोई बात नहीं, सो जाऊंगा, आजमाइश है, टल जाएगी। सारी जिंदगी गुजरगी इस आजमाइश में, गुर्बत की आजमाइश है ये, ऐसे नहीं टलेगी। तुम्हें भरोसा है मुझ पर? भरोसा नहीं, उम्मीद हो तुम मेरी, प्लीज मेरी उम्मीद मत तोड़ना। सांस टूट जाएगी पर उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अगर तुम नौकरी करोगे तो कितने साल लगेंगे तुम्हें वो तमाम चीजें वापस हासिल करने में जो तुम्हारे पास थी? पता नहीं, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है, कर लूंगा तुम्हारी खातिर। मेरे लिए काम कर सकते हो? कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे लिए तो बैठा हूं, जान मांग के देखो वो भी दे दूंगा। उठ गया चौकीदार, कल तुमसे पूछूंगी आके, प्लीज मना मत करना। गुड नाइट। मैं अंदर आ सकता हूँ? देखो साकिब, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। तुम दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे या मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जिसे समझने में तुम्हें इतना वक्त लग रहा है। समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल समझ में आ रही है कि मैं क्या करूं। सायरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, शफक को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वही लड़की है जिसने मुझे और तुम्हें अलग किया है। ये क्या फजूल बात है, तुम इतनी फिल्मी बातें कब से करने लगे? तुम मुझसे ज्यादा इन चीजों की अहमियत को जानते हो, हकीकत पसंद हो। अब प्लीज अपने आप को ठीक करो, अगर शफक को शक हो गया तो फिर वो हो जाए शक, I don't care, कल की मरती आज मरे। खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो मत करो।